हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 4, चैप्टर 7, जक्स एंड मक्स। दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट दिस चैप्टर इज़ नॉट गोइंग टू कम इन द एग्जाम, बट यू आर गोइंग टू लर्न दिस चैप्टर बिकॉज ऑफ योर सेल्फ स्टडी। एंड दिस चैप्टर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर सिलेबस ऑल्सो, सो यू मस्ट लर्न दिस टॉपिक्स, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो सो यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। In the previous video, students, you have learned about the capacity standard unit, right? And in how much water and how much liquid you can use in one time, and how much water more than 1 liter you can use at a one time, okay? That we already discussed. Now, in this video, we will continue our chapter. That is only last pages remaining. So, now you open a textbook page number 79. So, what is our topic? Water. The table shows the water used in one day by a family of 5 people. They live in a Godalur village. Okay, so this family is living in this Godalur village. So they, how much water they use in one day? 5 people are in the family. They have 5 family members in a family. What is the use of that? So cooking and drinking, they are using 30 liter water. Washing clothes 40 liter, cleaning pots and pans 20 liter, and bathing 75 liters. That much use in one day only by 5 people in a family. So total water used by them. The total वो लोग कितना water use करते होंगे? आपने देखा कहाँ कहाँ पे use करते हैं? Cooking and drinking के लिए, washing clothes के लिए, cleaning pots and pans means utensil wash करने के लिए और bathing के लिए। तो हमें इनका टोटल वाटर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन सब का एडिशन कर लेंगे। और यू कैन सी दैट हियर लीटर, ऑल द नंबर्स इन लीटर, दैट मींस 1000 ml विल मेक 1 लीटर। सो हियर वी टॉक अबाउट द 30 लीटर, 40 लीटर, दैट मींस लार्जर क्वांटिटी है, तो इसलिए हमने कौन सा यूनिट लगाया है? लीटर। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट इट। सो क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा 5, 1 प्लेस से स्टार्ट करें, एंड देन 4 + 3 = 7 + 2 = 9 + 7 = 16, 165 liter. So they will use 165 liter in a day by family members of 5 people. Right students, समझ में आ गया? Clear? So let's see the next exercise. How many liters of water does your family use in a day? Guess and fill in this table. तो अब आपको यहाँ पे ये activity दी गई है, उसमें आपकी family members कितना use करते हैं वो लिखना है। तो हम ये जैसे कि यहाँ पे दिया है cooking and drinking, वाटर यूज इन बकेट, हम यहाँ पे बकेट के हिसाब से लिखेंगे, एंड वाटर यूज इन लीटर्स। तो कुकिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए सपोज हम यूज़ करते हैं 2 buckets, राइट? ओके, और वाटर यूज, अगर वो बकेट की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि बकेट कितनी साइज़ का है। सपोज आई एम यूजिंग द 10 लीटर buckets, 1 bucket कैपेसिटी इज 10 लीटर, तो 2 bucket का कितना होगा? 20 लीटर्स। ओके, अगर वो 50 लीटर की भी बकेट हो सकती है, 5 लीटर की भी हो सकती है, इट्स डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ बकेट, हाउ द कंटेनर कैन होल्ड, इट्स कॉल्ड द कैपेसिटी, राइट? वॉशिंग क्लोथ्स के लिए आई एम यूजिंग 3 buckets, राइट? सो वाटर यूज इन लीटर, तो कितना वाटर यूज होता होगा? अगर एक बकेट की कैपेसिटी 10 लीटर है, तो 3 bucket की कितनी होगी? 30 लीटर्स। समझ में आया? क्लीनिंग पोट्स एंड पैंस, उसके लिए अगर हम यूज़ करते हैं 1 bucket, राइट? तो कितना वाटर यूज़ होगा? 10 लीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे करके आपको यहाँ पे जो अदर्स नेम है वो लिखना है, एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल। जैसे और कितनी बकेट्स यूज होती है, और वो बकेट के कैपेसिटी के हिसाब से आपको लीटर में लिखना है, ठीक है? हियर ऑल द यूनिट्स कम्स इन लीटर, यहाँ पे जो सारे यूनिट्स है वो लीटर में ही आएंगे, बिकॉज 1 bucket कैपेसिटी इज 10 लीटर। सो टोटल लीटर 20 लीटर ही होगा ना, 30 लीटर 10 लीटर विल कम, राइट स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। सो नाउ लेट्स सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज रिलेटेड दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 7, जग्स एंड मग्स। स्टूडेंट्स, हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम ऑफ द नोटबुक एक्सरसाइज विच इज़ रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड विच आर द इम्पॉर्टेंट्स ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, वॉट इज अवर एक्सरसाइज? कन्वर्ट द फॉलोइंग इन टू मिलीलीटर्स। So we already learned about the conversions, gram to kilogram, kilogram to gram, meter into centimeter, centimeter into meter. The same way here the conversion of milliliter, that means liter has to be converted in milliliter. So suppose, what is example here? 5 liter.
5 लीटर को हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. एवरी टाइम वी डोंट हैव द सेम यूनिट, वी नीड टू समटाइम्स कन्वर्जन ऑल्सो. सो हाउ टू डू द कन्वर्जन, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. सो एज़ यू नो दैट वी आर हैविंग टू यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट मिलीलीटर एंड लीटर. सो मिलीलीटर इज़ द स्मॉलर यूनिट एंड लीटर इज़ द लार्जर यूनिट. ओके, सो हियर कन्वर्जन फ्रॉम लीटर टू मिलीलीटर, यानी लीटर वाले यूनिट को हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, राइट. सो लीटर इज़ अ बिगर यूनिट एंड वी वॉन्ट आंसर इन स्मॉलर यूनिट. सो वैन वी डू द कन्वर्जन फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर यूनिट, दैट टाइम वी हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशंस. तो हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 मल्टीप्लाई लीटर मीन्स 1 लीटर, राइट. सो हमें पहले वो पता करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ठीक है. Whenever we have to do the conversion, multiply or divide करते हैं, but this depends on the unit. जब लीटर और मिलीलीटर की बात हो रही है, so लीटर और मिलीलीटर में कौन से यूनिट यूज़ करेंगे. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ओके. सो 1 लीटर और मिलीलीटर के लिए हम ये यूनिट यूज़ करेंगे, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. और लीटर बड़ा यूनिट है और हमें आंसर स्मॉलर यूनिट में चाहिए, इसलिए हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है. Now let's see here, 5 multiply. So students, 1 liter की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1000 ml, because 1 liter is equal to 1000 milliliter. So हम 1 liter की जगह पे हम लिखेंगे 1000 milliliter. Okay, so now 5 multiply 1000, what will come students, 5000, and you have to write which unit here, milliliter. So have you noticed that यहाँ पे 1 liter था. Now whenever you multiply with 1000, immediately you have to write a unit milliliter, okay. And if you will not write any unit or otherwise you will write the liter, this will be the wrong, because now your conversion answer will come in milliliter, okay. Let's see the next one, 19 liter. So 19 liter के लिए भी हम क्या करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, ओके. सो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 19 multiply, we don't have to write every time 1 liter. Now you know that 1 liter mean 1000 ml, so directly we multiply with 1000 ml. अगर यहाँ पे आपने लीटर लिखा, so this will be wrong, clear. So 19 multiply 1000 means 19000 milliliter. समझ में आ रहा है. Let's see the third one, 7 liter 400 ml. Now how will you do the conversion of this number? Here liter is also given and milliliter is also given. So what can you do it students? So आपको क्या करना है, milliliter को convert नहीं करना है, because it's already in milliliter. क्योंकि हम क्यों convert कर रहे हैं, because हमें answer चाहिए milliliter में. ये 400 milliliter है, उसको convert करने की ज़रूरत नहीं है, because this number is already in milliliter. तो हम किसको convert करेंगे, 7 liter को. So is equal to, आप देख रहे हो कि मैं हर एक step में is equal to लगा रही हूँ. Now 7 multiply 1000 ml, right. Now this ml को क्या करेंगे, add करेंगे, plus 400 ml. Clear students, समझ में आ रहा है. Okay, so next step, 7 multiply 1000, 7000 milliliter, plus same as it is यहाँ पे लिखना है 400 milliliter. सी यहाँ पे हमें देखते हैं, जब भी हम एडिशन करते हैं, हम सेम यूनिट्स का करते हैं, दिस ऑल्सो इन मिलीलीटर एंड दिस नंबर इज ऑल्सो इन मिलीलीटर. तो वी कैन डू द एडिशन ऑफ दिस नंबर. सो 7000 प्लस 400 करेंगे, सो आंसर विल कम 7400 मिलीलीटर. ओके, अगर एक मिली, देखो यहाँ पे लीटर और मिलीलीटर है, तो हम डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं, नो. फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इन मिलीलीटर एंड देन वी हैव टू एड दिस नंबर. क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर, 14 liter 160 milliliter. देखो यहाँ पे भी ये नंबर मिलीलीटर में है, तो उसको क्या करना है, जस्ट ऐड करना है. और कन्वर्ट किसे करना है, 14 लीटर को. हम यहाँ पे लिखेंगे 14 multiply 1000 ml. ओके, क्यों मल्टीप्लाई 1000 ml कर रहे, वो तो मैंने आपको समझा दिया. लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करना है, और 1 liter इज इक्वल टू 1000 ml, इसीलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. नाउ प्लस करके इसको ऐड करेंगे, 160 ml, एज इट इज ही लिखना है. सी द नेक्स्ट वन, 14 multiply 1000, 14000 milliliter प्लस 160 ml. आ गए दोनों नंबर मिलीलीटर में. नाउ वी हैव टू जस्ट ऐड इट. तो कैसे करेंगे, 14160 ml. हाउ दिस आंसर विल कम, तो हमें इसको एडिशन करना है,
सी आई एम शोइंग हियर 14,000 प्लस 160. दिस यू कैन डू इट ओरली ऑल्सो, बट इफ यू हैव डाउट सो यू कैन डू इट वर्टिकल एडिशन ऑल्सो. 0 प्लस 6, 0 प्लस 1, 4 एंड 1. आगे आंसर 14,160 mm. सो दिस हैज़ टू डू इन द रफ पेज, नॉट ऑन द कंटिन्यू अ फेयर प्लेस. ओके, सी द नेक्स्ट वन. 250 लीटर 430 ml. सो स्टूडेंट सेम एज 250 लीटर को कन्वर्ट करेंगे 250 × 1000 ml. नाउ वॉट टू डू, अब क्या करेंगे 430 ml को क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्लस 430 ml. क्यों ऐड करना है, बिकॉज दिस यूनिट इज ऑलरेडी इन मिली लीटर, तो उसको कोई कन्वर्ट नहीं करना है, नो कन्वर्जन फॉर डैट. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई इज़ वेरी इजी. 25 × 1 = 25. मल्टीप्लाई में दोनों नंबर में जितने भी जीरो हो उसके पीछे लगा दो, ये वन और बाकी के तीन, 1, 2 and 3, यानी टोटल 4 ज़ीरोज़ लगा दिए, तब कौन सा नंबर बन गया ये 250,000 ml. ओके, यूनिट लिखना नहीं भूलना है, हर एक स्टेप में आपको याद रख के यूनिट लिखना है, प्लस 430 ml. अब देखो ये दोनों नंबर ml में आ गए, अब इन दोनों का एडिशन करेंगे. अब आपको पता नहीं है कि इन दोनों का एडिशन डायरेक्टली कैसे होता है, तो हम यहाँ पे रफ में वर्क करेंगे. 250,000 प्लस 430, तो हमें 100 प्लेस से ही स्टार्ट करना है, डोंट स्टार्ट फ्रॉम दिस हियर. ओके, लेग प्लेस से स्टार्ट नहीं करना है. 0, 3, 4, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 0 आएगा, 0, 5, 2. सो आंसर विल कम 250,430 ml. क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? तो ये सारा जो भी वर्क है वो आप रफ पेज में करोगे. क्लियर? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट एग्जांपल, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर्स. अब यहाँ पे क्वेश्चन में मिलीलीटर दिया गया है और हमें आंसर चाहिए लीटर में, तो कैसे करोगे? मिलीलीटर और लीटर की बात कर ले तो मिलीलीटर इज़ अ स्मॉलर यूनिट एंड लीटर इज़ अ बिगर यूनिट, राइट? यानी स्मॉलर में से बिगर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पहले आपको सोचना है मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है. तो व्हेन यू कन्वर्ट स्मॉलर इनटू बिगर यूनिट, यानी स्मॉलर में से बिगर यूनिट में जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. ठीक है, डिवाइड करना है, और डिवाइड कौन से नंबर से करोगे, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, मिलीलीटर और लीटर की. तो कौन, विच इज़ अ यूनिट, 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर. दैट मीन्स वी कैन राइट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, बोथ द वेज वी कैन राइट, राइट? यानी जब भी मिलीलीटर में से लीटर में कन्वर्ट करना हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा. वो तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन स्मॉलर यूनिट में है और आंसर बिगर यूनिट में चाहिए तो डिवाइड करो, अगर क्वेश्चन बिगर यूनिट में है और आंसर स्मॉलर यूनिट में चाहिए तो मल्टीप्लाई करो. वो कोई भी यूनिट्स हो, मेजरमेंट्स का कोई भी यूनिट्स हो, ग्राम, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, एनी यूनिट्स, द सेम रूल हैज़ टू बी अप्लाइड. ठीक है, तो हम देखेंगे 6000 ml, और 6000 ml को हम 1000 से डिवाइड करेंगे. क्यों 1000 से? क्योंकि 1000 ml बन के बनता है 1 लीटर. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6000 divided with 1000, और जैसे 1000 से डिवाइड करो यहाँ पे यूनिट चेंज हो जाएगा और बन जाएगा लीटर. ओके, अब ये डिवीजन का रिलेशन है, तो डिवीजन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम ऐसे भी लिख सकते हैं. सी, हम डिवीजन ऐसे भी लिख सकते हैं, 6000 divided with 1000 liter, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, बोथ द वेज वी कैन राइट, बट दिस इज ईजी. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लास्ट जीरो है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, मिडल वाले नहीं. देखो यहाँ पे लास्ट है और नीचे भी लास्ट है, न्यूमरेटर लास्ट और डिनोमिनेटर लास्ट, वी कैन कैंसिल डायरेक्टली. द सेम वे लास्ट, सेकेंड लास्ट प्लेस ऑल्सो, थर्ड लास्ट प्लेस ऑल्सो. तो अगर ऐसे लास्ट राइट साइड से जीरो आ रहा है तो हम उसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं. तो व्हाट आंसर विल कम, 6 लीटर. अवर आंसर इज 6 लीटर. अदरवाइज आप डिवीजन करके भी फाइंड कर सकते हो, 1000 × 6000. क्लियर, ऐसे भी हम कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. 24,000 ml. हमें आपको पता है स्टूडेंट्स 24,000, हम यहाँ पे क्यों डायरेक्टली डिवीजन 1000 से कर लिया, बिकॉज 1000 में भी 30 है और 6000 में भी 30 है, तो हमने डायरेक्टली डिवाइड कर लिया. नाउ लेट्स सी दिस वन, 24,000 ml, अब उसको भी हम 1000 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी लास्ट में 30 है तो वो इजीली कट हो जाएंगे. ओके, डिवीजन इजीली हो जाएगा, 1000
और यहाँ पे यूनिट कौन सा लिखेंगे, लीटर। जैसे आप डिवाइड करो तो यूनिट चेंज हो जाता है, जैसे मल्टीप्लाई करते वैसे भी यूनिट चेंज होता है, तो डिवाइड करने पर भी यूनिट चेंज हो जाता है। नाउ लास्ट थ्री और नीचे भी लास्ट थ्री, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लास्ट थ्री जीरोज है तो हम कट कर सकते हैं, अगर मिडल में है और एक लास्ट में है तो हम कट नहीं कर सकते, ठीक है। सो व्हाट आंसर विल कम, 24 लीटर। ये वन क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज 24 डिवाइड बाई वन करेंगे तो भी आंसर 24 ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। 124 जार 24, इसलिए डिनोमिनेटर में वन हो डैट मीन्स द सेम वैल्यू, दैट इज द होल नंबर, राइट स्टूडेंट्स। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, 4300 ml। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो हमें 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो हमें 3 जीरोस चाहिए लास्ट में, बट यहाँ पे तो 2 जीरो है, सो हम कैसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो डेसिमल में चला जाएगा, बट नाउ यू हैव नॉट लर्न अबाउट द डेसिमल्स, राइट। सो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, नंबर को स्प्लिट करेंगे यानी अलग कर देंगे। हम क्या करेंगे, हमें लास्ट में 3 जीरोस चाहिए ना, तो हम पहले 300 को अलग कर देते और ये 300 की जगह पे हम ज़ीरो लगा देते, दैट मीन्स 4000 + 300 4300 हो गया। तो आपको क्या करना है, जब भी लास्ट थ्री डिजिट्स में ज़ीरो नहीं होते तो वो थ्री डिजिट को अलग कर दो और उसकी जगह पे ज़ीरोज़ लगा दो, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन यही नंबर होगा ना, नाउ दोनों के पीछे हम क्या लगा देंगे, ml, और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, ml, यानी 4000 ml + 300 ml बन के 4300 ml ही हो गया, राइट स्टूडेंट्स। अब उसको कन्वर्ट करेगा, अब देखो यहाँ पे 3 जीरोज़ आ गए तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं इजीली, हम 4000 / 1000, जैसे 1000 से डिवाइड किया यहाँ पे क्या लिखेंगे, लीटर, ओके, प्लस 300 ml तो ऑलरेडी ml में है तो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो 1000 ml से कम होता है इट विल नॉट बी चेंज, वे 1000 ml होगा तो ही वो 1 लीटर बनेगा, अदरवाइज इट शुड बी लाइक दैट ओनली, ऐसे ही रखना है उसको। अब देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी लास्ट डिजिट सेम है, कट कर लिया तो क्या बचा, 4 लीटर + 300 ml। समझ में आया, मैंने 300 ml को क्यों कन्वर्ट नहीं किया, बिकॉज इज लेस देन 1000 ml, यानी 1000 ml से कोई भी नंबर यहाँ पे होता है उसको कन्वर्ट नहीं करना है, यू हैव टू कीप लाइक दैट ओनली। सो आंसर विल कम 4 लीटर 300 ml। आप ये वाला स्टेप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, यू कैन राइट डायरेक्टली दिस स्टेप्स ऑल्सो, क्लियर। कैन एग्जाम, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 5829 ml। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखोगे, आपको पता है कि ml में से लीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 3 जीरोज़ है लास्ट में, लास्ट डिजिट में 3 जीरोज़ है, नो, सो हम क्या करेंगे, नंबर को स्प्लिट करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 829 को अलग कर देंगे और उसकी जगह पे यहाँ पे क्या लगा देंगे, 1, 2 and 3 जीरोज़। अब आप देखो इन दोनों का एडिशन करने पर सेम यही नंबर मिलेगा आपको, राइट, ईजी है ना। तो आपको 3 जीरो चाहिए तो ये 3 नंबर को अलग कर दो और उसकी जगह पे 0 लगा दो। अब दोनों के पीछे सेम ही यूनिट लगेगा, ml, कि वही नंबर को हमने स्प्लिट किया है, अलग किया है, राइट। अब हमें 5000 ml का हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, यानी 5000 / 1000 ml, ओके, प्लस 829 ml, ओके। देखो ये भी नंबर 1000 से छोटा है इसलिए हमको एज इट इज ही लिख रहे हैं। अब यहाँ पे ये 3 जीरो 3 जीरो कट, अब यहाँ पे लिखेंगे 5 liter and 829 ml, दिस विल नॉट बी चेंज, अगर वो 1000 होता तो ही चेंज होता, अदरवाइज आपको ऐसे ही लिखना है। समझ में आ गया, तो आपको याद रखना है कि जब भी मिलीलीटर और लीटर की बात हो रही है और 1000 से डिवाइड करना है, अगर जीरोज नहीं है तो नंबर को पहले स्प्लिट करो, देन यू डिवाइड द नंबर विथ 1000, और जो ml वाला है उसको एज इट इज रखो, ठीक है। ओनली यू जस्ट कीप द स्टेप्स इन योर माइंड, यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ कन्वर्जन सम्स, द मेथड इज सेम इन ऑल द कन्वर्जन सम्स, राइट। नाउ 1220 ml, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। सो अगेन हियर 3 जीरोज़ आर नॉट देयर, यहाँ पे एक ही जीरो है, हमें 3 जीरोज़ चाहिए डिवाइड करने के लिए, तो हमें नंबर को स्प्लिट करना पड़ेगा, तो हमें 220 को अलग कर देते हैं और उसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1, 2 and 3 जीरो, यानी 1000 + 220 बन जाएगा 1220, और उसके पीछे लगा देंगे ml, राइट। अब यहाँ पे हम 1000 / 1000 करेंगे और ये बन जाएगा लीटर, प्लस 220 ml, यानी 1000 से छोटा है तो उसको एज इट इज़ रहने देते हैं।
नाउ 330 कट्स तो ये बन गया 1 लीटर 220 ml, 1 लीटर 220 ml. क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कन्वर्जन सम्स. सो डू मोर प्रैक्टिस सो यू कैन डू मोर बेटर वे. थैंक यू.